आपके पास वीवो T2 T2X है, तो उसके अंदर मैसेज नोटिफिकेशन सेटिंग कैसे कर सकते हैं उसको करने के लिए मैसेज पे जाना होता है। यहाँ पे आपको दिख जाता है ये वाला आइकन, इस पर आपको टैप कर देना है, मैसेज सेटिंग देखेगा, इस पर आपको चले जाना, तो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर दिख जाता है नोटिफिकेशन, इस पर आपको टैप कर देना है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन बंद करना है डायरेक्टली यहाँ से ऐसे करेंगे तो आपका सारा सारा नोटिफिकेशन का जो भी सेटिंग होती है यहाँ से आपका बंद हो जाता है। जैसे इसको इनेबल करते हैं तो सारा चालू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग, तो इस पर जैसे टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी डिफ़ॉल्ट यानी कि वेब जो भी मैसेज आते हैं यहाँ पर आपका इसकी सेटिंग यहाँ से होती है। तो अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो सारे बंद हो जाता है। तो इसको जब इनेबल करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पॉपअप ऑन स्क्रीन, यानी कि जब भी कोई मैसेज आ जाता है तो यहाँ पर एक पॉपअप बन जाता है। तो आप चाहते हैं कि उसको आप हाइड रखना चाहते हैं तो इसको आप बंद कर देंगे, आप कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपका पॉपअप नहीं बनेगा। बाकी यहाँ से करने के बाद आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाता है बबल्स, इसको भी आपको टाइप करके डू नॉट नथिंग पे कर देना है। इससे क्या होता है जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर एक छोटा सा आइकन बन जाता है, तो ये आपका बनना बंद हो जाएगा। अगर आपको लगाना है तो ऊपर वाले पे आप ऐसे कर देंगे तो आपका जो भी होगा बबल्स बनना चालू हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड टास्क, इसको भी आपको बंद कर देना है क्योंकि बैकग्राउंड में जो भी टास्क करते रहते हैं वो चलता रहता है आपके फ़ोन में, तो इसको भी आपको बंद कर लेना है। फिर उसके बाद आपको बैक करके नीचे एक साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाता है एडवांस सेटिंग, इस पर आपको चले जाना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गेट एसएमएस डिलीवरी रिपोर्ट फाइंड आउट एम द एसएमएस मैसेज इन डिलीवर्ड, इसको आपको जाके ऐसे इनेबल कर देना होता है अगर आपका बंद होगा तो। इसको ऑन करने से ये फ़ायदा होता है कि सामने वाला अगर बंदा मैसेज को आपके सीन करता है तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि बंदा सामने वाला सीन कर रखा है। बाकी एक और सेटिंग होती है जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिलती, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका लॉक स्क्रीन पे कोई भी मैसेज शो ना करें, यानी कि जब भी आप कोई मैसेज आता है तो यहाँ पर आपका शो करता रहता है ये वाला, ठीक है। तो इसको बंद करने के लिए आपको वापस से सेटिंग पे जाना होता है। सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, नीचे एक साइड जाना है, यहाँ पर आपको दिख जाता है नोटिफिकेशन सेक्शन वाला, इस पर आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर आपको दिख जाता है ये वाला ऑप्शन नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, इस पर आपको टैप कर देना। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिख जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डोंट शो एनी नोटिफिकेशन, इसको आपको ऐसे कर देना है। ऐसे करने के बाद आप अपने फ़ोन को लॉक करेंगे तो यहाँ पर आपका कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।